बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, अपने कायद नवाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ को और सब साथियों को, यहाँ पर जितना स्टाफ है, आपका सेक्रेटेरिएट है, सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत इज्जत के साथ, तकद्दस के साथ इस पार्लियामेंट ने अपना मियाद पूरी की. और आपने पिछले एक साल में, कुछ एक साल से ज़्यादा अरसे में, बहुत मुस्बत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सबको साथ लेकर ये असेंबली को, नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स चलाईं और बिज़नेस बेहतरीन अंदाज में निपटाया गया. सर, मैं यहाँ पर अवान के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एक एक्सीडेंटल पार्लियामेंटेरियन हूँ. 90% ख़वातीन जो यहाँ पर इलेक्टेड सीट्स पे आती हैं वो एक्सीडेंटल पार्लियामेंटेरियंस होती हैं. दानियाल साहब नाअहल हुए तो मुझे एक्सीडेंटली यहाँ आना पड़ा. सर, इसके बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा. ये जो हमारी ख़वातीन होती हैं, 17% रिज़र्व सीट पे ख़वातीन हैं, उनका भी कोई रोल नहीं पता, इतना क्लियर नहीं है वो रोल सर. और उसके बाद ये है कि अभी सर थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए. सर, उसके अलावा हमारी जो जितनी सीट्स होती हैं, अब जनरल इलेक्शंस आएंगे उसमें इलेक्टेबल सीट्स ख़वातीन को दी जाएं, इंक्रीज़ किया जाए. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल आया और बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ इस बात का कि उसमें ख़वातीन की सीट्स के बढ़ाने का, ख़वातीन के रोल के बढ़ाने का उसमें बिल्कुल कोई ज़िक्र नहीं रहा. जल्दबाजी में था, बहुत जल्दी जल्दी हमें बहुत सी चीज़ें करना पड़ी. तो अब मैं ये कहूँगी कि अब द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जब वो रूल्स बनाएं तो रूल्स में वो जितना मुस्बत तरीके से असिस्ट कर सकते हैं ख़वातीन की इंक्रीज़ को. सर, मैं चाहती हूँ कि जब हमारी अगली पार्लियामेंट हो तो ख़वातीन ज़्यादा चेयर हों पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की, ख़वातीन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में. सर, मैं बस थोड़ी देर में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें बैठे आके, जो आपकी इम्पोर्टेंट वो सब कुछ है, ना कि वो साइडलाइन हो. दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ सर, एक यहाँ पर एक रवाज रहा, एक सोच रही जो बाहर बैठे हुए लोग हैं कि पार्लियामेंट में तो कोई अच्छी चीज़ ही नहीं हुई. सर, मैं आज आपको बताती हूँ क्या अच्छी चीज़ हुई और उसके आप साथ में यू इनिशिएटेड दैट अच्छी चीज़. सर, इतने बिल पास हुए हैं यहाँ पर जो बच्चों के हवाले से पेश हुए हैं. मैंने खुद प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन साइबर क्राइम्स, ये पेश किए. पिछले साल 14 अगस्त को हमने यहाँ बच्चों की असेंबली की, बच्चों ने आके तकारीर की, बच्चों ने अपने राइट्स के ऊपर तकारीर की. उसके नतीजे में सर, हमने पार्लियामेंट्री कॉकस ऑन चाइल्ड राइट्स बनाया. पाकिस्तान दुनिया में चौथा कंट्री है जो चाइल्ड राइट्स कॉकस जिसका है. सर, आखिर में मैं सबका शुक्रिया करती हूँ और मैं ख़ास तौर पे अपने इलाके शकरगढ़ और ज़फरवाल का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने 60,000 वोट की लीड से मुझे जितवाया और मैं अपने इलाके की पहली MNA इलेक्टेड मेंबर थी. मगर मैं ये चाहती हूँ कि जितनी इलेक्टेड, चाहे एक्सीडेंटल और नॉन एक्सीडेंटल यहाँ पर आएँ, उनको उन पे आप उनको आप ज़्यादा रोल दें, उनको आप ट्रस्ट करें, उनकी एबिलिटीज़ में आप ट्रस्ट करें. हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं सर, नंबर्स डोंट काउंट, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड नंबर्स इन विमेंस पार्टिसिपेशन. थैंक यू सर. थैंक यू.